क्या बात है, सुबह से बड़ा डायरी में लिखा जा रहा है। क्या हिसाब लगा रहे हो, क्या लिख रहे हो मुझे भी तो दिखाओ। कुछ नहीं यार, ऐसे ही लिख रहा था। दो ना दो मुझे, मैं भी तुम्हारी कुछ हेल्प करती हूँ। अच्छा, ये जो मैंने तुम्हारे साथ जीवन काटा है, सच बोलूं तो हुआ आज तक सिर्फ घाटा ही घाटा है। अच्छा और भी है। मैंने जो ख्वाब तुम्हारी जुल्फों की छांव में सजाए थे, और फिर ख्वाब पूरे करते करते भर भर कर बिल आए थे। अरे तो मैं ऐसे ही लिख रहा था। दिमाग खराब। A few moments later. अरे सुनो यार, सॉरी यार। क्या है? पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह से सोच रहा हूँ दो रोमांटिक बातें लिख दूँ तुम्हारे लिए, पर पता नहीं क्या कुछ भी लिखता हूँ तो साला रियलिटी सी लिखी जा रही है। चलो कोई नहीं, मैंने तुम्हारे लिए ना बहुत अच्छा लिखा है, ये वाला सुनो देखो। यूं तुम्हारा रूठ के जाना मेरे दिल को बहुत चुभता है, लेकिन फिर अगले ही पल सोचता हूँ वैसे भी तो तुम्हारे साथ मेरा दिल घुटता दम घुटता है। यार पता नहीं क्या ही तो हो रहा है आज, माँ सरस्वती मेरे से रुष्ट है। जो भी सुबह से लिख रहा हूँ बोल रहा हूँ बहुत। निकल जाओ यहाँ से, बकवास, दिमाग खराब है। तो तुम मेरे साथ रह क्यों रहे हो? भगवान, प्यार तो साला बेरोजगारी में ही होता है, कमाईयां देखकर तो लोग रिश्ते करते हैं, क्यों? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, कमाई तो तुम्हारी भी कोई छप्पर फाड़नी थी जब हमारा रिश्ता तय हुआ था। ओ हेलो, मेरी जो थी वो तो थी ठीक है, तुम तो पूरी की पूरी बेरोजगार थी, भूल गई तुम? MCA के लास्ट सेमेस्टर में थी, और तुम्हारी सारी फीस वगैरह पूरा सेमेस्टर हमने कराया था शादी के बाद। इसका मतलब पहले से तुम्हारे दिमाग में हमारा तुम्हारा था। और एक बात बता दूं, ये राजा बाबू की सारी डिमांड पूरे करने में ना बैलेंस सारा खत्म हो गया था, इसलिए तुम्हें करना पड़ गया मेरे MCA के फाइनल सेमेस्टर की फीस सबमिट। ना 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 ना, झूठ नहीं बिल्कुल भी, कसम खा लो, ना मैंने ना मेरे घर वालों ने एक रुपया नहीं मांगा था तुम लोगों से। मांगा नहीं था, लेकिन मना भी किसी चीज को नहीं किया था तुम लोगों ने। अरे यार चलो, अच्छा छोड़ो यार पुरानी बातों को ना यार, तुम ना उखाड़ा मत करो ठीक है, छोड़ो। अच्छा ये बताओ, वो तुम्हारे बड़े भैया आने को बोल रहे थे, कब आ रहे हैं? संडे को आ रहे हैं, भाभी भी साथ आएंगी। अच्छा सुनो, इस बार ना मेरी शर्ट का साइज L नहीं आएगा, M आएगा 38, और जीन्स सब 32 आने लगी है मुझे। क्या यार, बता देना उन्हें। ये हो ना तुम? अरे यार उनके फायदे की तो बात बता रहा हूँ, फिर रिटर्न करेंगे, इतनी दूर से आएंगे आगरा से लेके। रग रग से वाकिफ हूँ मैं तुम्हारी, किसी और को बनाना ही उल्लू। आए बड़े, शर्ट का साइज चाहिए इन्हें, डिमांड नहीं है। जब हमारी शादी हुई थी तो तुम्हें कैसा लगा था? एक बार कहाँ से पल्ले पड़ गया। फोन देखना चल ही नहीं रहा है, टच भी नहीं चल रहा है, मन करते उसको उठा के ही फेंक दूं। कल रात को ना लड़ाई में तो कुछ ज्यादा ही बोल गई, अब जल्दी से अपनी गलती मान ले। जो नहीं मानी तो? 5 मिनट है तेरे पास, अपनी गलती मान के सॉरी बोल दे। ये 5 मिनट में भी नहीं मानी तो? तो कितना टाइम चाहिए तेरे को? आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे?